टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है कि हम लोग जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं, इसके थ्रू हम लोगों ने इसका फर्दर एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन करना होता है, जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस करना होता है कि कौन सा डाटा जो है हमारे पास ज्यादा वेरिएबल है और कौन सा डाटा कम वेरिएबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर मीन इनटू 100%। ठीक है, और इसका आंसर हमेशा परसेंट की फॉर्म में होता है। सिग्मा हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेचुरल सी बात है, हम लोग वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा ओवर मीन इनटू 100%। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ऊपर बेस हम लोग जो है क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सो एक्सरसाइज 15.3 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.3, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15.3, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए लिखूंगा, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर दैट ग्रुप बी लिखेंगे और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। पहले लिखते हैं क्लास इंटरवल, या इसको मार्क्स लिखा हुआ उन्होंने 10 to 20, देन 20 to 30, आफ्टर दैट 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, एंड देन 70 to 80। और इसके अकॉर्डिंगली ग्रुप ए, ग्रुप ए मतलब मीन्स उसे एक तरह से हम लोगों को ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 9, 17, 32, 33, 40, 10 एंड 9। सबसे पहले xi फाइंड आउट करते हैं। नेचुरल सी बात है, xi जो होता है वो मिड वैल्यू होता है। सो वी कैन से दैट xi इज इक्वल्स टू 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप्रोक्सीमेटली मिड वैल्यू 45 हम लोग a कंसिडर कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 45। तो उसके बाद वी आर गोइंग टू फाइंड आउट UI, सेम वही मेथड जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ में सॉल्व कीजिएगा। UI इज इक्वल्स टू XI माइनस A डिवाइडेड बाय H। तो XI माइनस 15 माइनस 45 इज माइनस का 30 डिवाइडेड बाय 10 इज माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3। इसके बाद UI स्क्वेयर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। UI square हमारे पास आ जाता है 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। Now we need to find out FIUI और FIUI square। पहले FIUI find out करते हैं। 9 into minus 3 minus 27, 17 into 0, minus 34, 32 minus 1 minus 32, 0, 40 into 1, 40, 10 into 2, 20, 9 into 3, 27। ठीक है जी, अब इसको अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो सॉल्व करने के बाद चेक कीजिएगा, हमारे पास आंसर -6 आता है। ठीक, आफ्टर दैट FIUI square ग्रुप फ्रीक्वेंसी जो FI है इसको UI square के साथ मल्टीप्लाई करना। 9 9 81 17 4 68 32 1 32 then 0 after that 40 into 1 40, 10 into 4 again 40, 9 into 9 again 81। Addition करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 100, ये 180, 180 plus 162, तो ये हमारे पास आ जाता है 360, just a minute, check करने दीजिए, yes, 342 आ जाता है, okay? अब ये सारा solve करने के बाद, now we are going to find out mean. एक्स बार, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोगों को मीन भी चाहिए होता है, मीन अलग से फाइंड आउट करना, क्योंकि मीन फॉर्मूले में भी है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन FIUI डिवाइडेड बाय समेशन FI इनटू H। ए हम लोगों ने कंसिडर किया था 45, FIUI हमारे पास है -6 ओवर समेशन FI, जो ये हमारे पास FI है इसका सम टोटल हम लोग करते हैं 26, 58, it is 81 and 9, 90, 150, its answer comes out to be 150। ठीक है जी, इसको डिवाइड करते हैं 150 के साथ, तो LCM वगैरह लेके सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 45, this is
3 ka table pe gaya 2 and this is 50, 2 over 50 is minus 0.4. So 45 minus 0.4, hamare paas mean aa jata hai 44.6. So this is the mean for this data. Ab iske baad hum logo ne find out karna hai standard deviation. So directly main under root hi le raha hu standard deviation ke liye, under root of, यहाँ पे हम लोग एच लगाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं, इसलिए बाहर एच लगेगा. समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर माइनस एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ आई यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है. एच हमारे पास है 10 अंडर रूट ऑफ 342 डिवाइडेड बाय 150 माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 150 होल स्क्वायर. सॉल्व कीजिए बेटा जी इसको, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए कितना आता है. इस क्वेश्चन में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला सिग्मा ओवर मीन इनटू 100 अप्लाई करके हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 33.8 आ जाता है. अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम लोगों को दो डाटा को कंपेयर करने के लिए बोला हुआ था, ये तो हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट डाटा कंपेयर किया. अब इसके बाद हम लोग सेकंड डाटा का कंपेयर करने के लिए सेम सारा मेथड सिमिलरली सेम मेथड लगाएंगे और उसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. और दोनों में से जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा हम लोग ये कहेंगे कि दैट डाटा इज मोर वेरिएबल और लेस स्टेबल. ठीक है. क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता होता है कि डाटा ग्रुप बी का स्टार्ट करते हैं, क्लास इंटरवल तो वही रहेगा क्योंकि मार्क्स वही हैं, ग्रुप बी इसके साथ स्टार्ट करते हैं. अब ग्रुप बी में फिर से मिडिल टर्म 15 25 35 45 55 65 and 75. ठीक है जी. आफ्टर दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं यूआई. यूआई को हम लोग अगेन ए की वैल्यू 45 कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि मिड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 45 ही है. सो दिस इज अगेन सेम का सेम वही रह जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 and 3. अगेन यू आई इज 9 4 1 0 1 4 and 9. क्योंकि क्लास इंटरवल हमारे पास सेम है, मिड वैल्यू सेम है, तो हमारे पास यूआई यूआई स्क्वायर सारे का सारा डाटा सेम रह जाएगा. अब पहले फाइंड आउट करते हैं एफ आई इंटू यू आई. 10 into -3 -30 -40 -30 0 43 and then 15 2s are 30 7 3s are 21. -30 -40 -30 0 43 30 and 21. अब इसके बाद इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. 60 और माइनस का 40 माइनस का 100, दिस इज -73 and 21. इट विल कम आउट टू बी 94 प्लस का. अगेन हमारे पास एफ आई यू आई जो है वो माइनस का 6 आ जाता है. अब एफ आई यू आई स्क्वायर फाइंड आउट करना शुरू करते हैं. 10 into 9 90 और ये हमारे पास आ जाएगा 24 80 31 30 0 43 60 and 63. और ऐड करते हैं 170 200 260 and 323 366. इस सब का सम हमारे पास 366 आता है. नाउ सी हियर, अब यहां पे देखिएगा, अगर हम लोग फिर से मीन फाइंड आउट करते हैं ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच, तो हमारे पास मीन बेटा जी वही वापस आ रहा है -6/150 × 10. ये कैंसल आउट होके 44 - 0.4 आंसर 44.6. मीन कम्स आउट टू बी सेम. ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज सेम फॉर्मूला, एच अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई होल स्क्वायर. ठीक है जी. वैल्यूज पुट करते हैं 10. अब की बार यहां पे बेटा जी 366/150 -6/150 का होल स्क्वायर. ठीक है. अगेन सेम वही प्रोसीजर, 150 हम लोग डिनोमिनेटर में से बाहर कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि एफ आई यू आई स्क्वायर 366 आया और समेशन एफ आई हमारे पास 150 है, वही पिछले डाटा वाला. 10/150 बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास रह जाएगा 366 × 150 and -36 क्योंकि -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा. ठीक है. सॉल्व कीजिए बेटा इसको कितना आंसर आता है.
सॉल्व कीजिए बेटा, हमारे पास आ जाता है 54900 माइनस 36 और उसका आ जाता है हमारे पास 54864 और उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है एंड डिवाइड बाय 15 और 54864 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आता है 234.2 और जब इसको मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 15.6 अप्रोक्सीमेटली 15.6 आता है हमारे पास। फर्स्टली x बार फाइंड आउट करते हैं, 10 वैल्यूज हैं और इन 10 वैल्यूज को ऐड करके हम लोगों ने 10 से डिवाइड करना है क्योंकि हम लोगों को अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है। फाइंड आउट कीजिए बेटा इसका मीन कितना आता है, चेक कीजिए करते हैं एडिंग ऑल द टर्म्स तो हमारे पास आ जाता है 510 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास मीन आ जाता है 51। अब मीन 51 आ गया तो हम लोग यहां पे फाइंड आउट करते हैं डीआई, डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस। अब बेटा ये यहां पे ए एज्यूम्ड मीन के तौर पे भी काम कर सकता है और अगर आपने एग्जैक्ट मीन फाइंड आउट किया तो वो भी फाइंड आउट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम्ड मीन की वैल्यू ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए मीन की वैल्यू 51 आई है तो पूरे डाटा में से 51 के आसपास जो राउंडेड ऑफ वैल्यू है हम लोग उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 50 क्योंकि ए 50 इसके आसपास वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू 51 भी है हम लोग वो भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि शॉर्टकट मेथड लगाना है तो ए की वैल्यू हम लोग एज्यूम्ड मीन कंसिडर करते हैं तो एज्यूम्ड मीन 50 कंसिडर कर लेते हैं इसके आसपास तो हमारे पास ये कितने आ जाएगा माइनस 15। अब बेटा एक ध्यान दीजिए एज्यूम्ड मीन मैं इसलिए 50 ले रहा हूं जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस लिटिल बिट इजी, अदरवाइज हमारे पास मीन 51 आया और 51 इसके बीच में लाई कर रहा है तो हम लोग वो वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसका मीन 50 कंसिडर कर रहा हूं एज्यूम्ड मीन। सो दिस इज 4, 2, 3, 6, 8, 2, 0, 1 एंड -1 और जब हम लोग इसका सम फाइंड आउट करते हैं 639, 15, 23, 25, 26 और उसमें से 16 माइनस किया तो हमारे पास समेशन डीआई 10 आ रहा है। इसके बाद डीआई स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करते हैं 225, 16, 4, 9, 36, 64, 4, 0, 1 एंड 1 और जब हम लोग इसको ऐड करते हैं ये आ जाता है हमारे पास 100, 106, 115, 119 और 135, 225, 360 तो अब हमारे पास जो ये मीन इसका डीआई स्क्वायर है दैट इज 360 आया है तो अब मीन हमारे पास 51 हमने निकाल लिया था सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डीआई स्क्वायर। चेक कीजिए बेटा ये अब क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है सो वी विल अप्लाई सिंपल अनग्रुप्ड डाटा फार्मूला डीआई स्क्वायर ओवर एन माइनस डीआई यहां समेशन का फार्मूला लगाएंगे डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर और बेटा याद रखिए यहां पे जो स्मॉल एन है दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स तो समेशन डीआई स्क्वायर इज 360 डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन डीआई डिवाइडेड बाय एन दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। चेक कीजिए 10 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर तो हमारे पास इसको सॉल्व करके कितना आता है इसको फाइंड आउट कीजिए जरा कितना आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 11.6 आ रहा है इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेटा सिमिलरली यू नीड टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द सेकंड डाटा, दूसरा डाटा जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद फिर आप चेक कीजिए जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा दैट डाटा विल बी लेस स्टेबल। अंडरस्टैंड यू नीड टू राइट डाउन हेयर स्टेबिलिटी, क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया है विच डाटा इज मोर स्टेबल। ठीक है तो अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा आ रहा है वी विल से दैट कि दिस डाटा इज लेस स्टेबल और अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दूसरे डाटा के अकॉर्डिंगली कम आ रहा है देन वी कैन से दैट दिस डाटा इज मोर स्टेबल। ठीक है